करना थोड़ी एहतियात करें। अच्छा, कफील के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ जी, न्यूज़ क्या है भाई, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली आपको बताने का मकसद क्या होगा ये भी आपको बता दें, तो यहाँ पर आपको मैं शायद इनका मतलब दिखा रखा हूँ। कब्ज़ल सितिन मुखालफा निज़ाम इकामा व अल अमल, ठीक है। 30 मिन जिनसिया पाकिस्तानिया व 70 मिन जिनसिया अफगानिया व 1 मिन जिनसिया यमनिया, सॉरी। तो बात यह है जी कि इनकी वीडियो और जो भी अजीब पिक्चर वगैरह यहाँ पर आपको साथ में दिखा देता हूँ मैं, इनके मतलब आपको बता भी देता हूँ मैं, जिनमें 9 पाकिस्तानी हैं जी और 6 अफगानी हैं। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तमाम बदून कफील जो भाई काम करते हैं, यानी कि कफील के साथ कफील के साथ भी जो अपना एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं, यानी कि आज़ाद वीज़ा लिया और आशाए खास का, अमल मंजिली का, हारिस का, या चार बंदों का जो मुसस्सा होता है उनके इकामे भी वैसे सस्ते बनते हैं। उनमें से किसी का इकामा किसी के साथ किसी के यानी कि वीज़ा ले लिया और बाहर काम कर रहे हैं, कफील को मंथली दे रहे हैं और साल बाद जो इकामे के पैसे वो दे रहे हैं, यानी कि आशाए खास की तो बात करें 5 से 6 हज़ार चलता है पूरे साल का। आप दें कफील को और पूरा साल काम करें। हालांकि आपको पता है जी, अमल का जो महीना है, अमल के महीने वाला जो इकामा है 96 यानी कि 9600 रियाल में बन रहा है, और कफील इसके ऊपर 13-14 हज़ार रियाल लेते हैं, ठीक है जी। तो उसमें ये होता है फिर आपको बाहर आप कहीं काम वगैरह कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है आपको, अमल का आपका महीना ना। हाँ, कफील के मतलब वो पूछ गूछ सकते हैं, लेकिन उसी शहर में रहें जिस शहर का आपका कफील है। अभी ये जो बंदे गिरफ़्तार हुए हैं, ये मैं इसलिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये एक तो इकामा एक्सपायर, अच्छा इकामा एक्सपायर हो तो वो पकड़ ले तो छोड़ देते हैं, इसके मतलब कुछ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। यानी कि मैंने खुद से यार देखा है बहुत से बंदे पकड़ते हैं, और मैं खुद से एक दफ़ा पकड़ा गया हूँ। इकामे के मतलब ये है जी, इकामा एक्सपायर हो या हो, या है आपके 2 इकामे एक्सपायर हैं, 3 इकामे एक्सपायर हैं, मैंने देखा है जी, बंदों को पकड़ते हैं 1 घंटे बाद छोड़ देते हैं वहाँ पर फिगर और साइन वगैरह लेकर, यानी कि 500 रियाल का या 1000 रियाल का सेंका टाइम फाइन करके छोड़ देते हैं। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, इकामा एक्सपायर हो, आपके ऊपर हरूब हो तो फिर नहीं छोड़ते हैं, फिर आपको तरहील करते हैं। इसमें हरूब का जिक्र भी नहीं किया गया है, इसमें मुखालफा निज़ाम अमल का जिक्र किया गया है। अभी मुखालफा निज़ाम अमल ये है जी कि आपका कफील कोई यानी कि कोई और है, यानी कि शाही खास है, अमल मंजरी आपका महीना है, और आप घर की बजाय बाहर कहीं काम कर रहे, इलेक्ट्रिशियन का काम किए जा रहे हैं, प्लम्बर का काम किए जा रहे हैं, या किसी की कोई क्रेन वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह चलाए जा रहे हैं, यानी कि खुद से अपना कारोबार कर रहे हैं, या किसी के साथ और कुछ काम कर रहे हैं, या किसी शिरके में लगे हुए हैं। हालांकि कफील आपका जद्दा का, आप दमाम में, रियाज में, चाहे जद्दा में ही लगे हुए हैं, लेकिन काम कुछ और किए जा रहे हैं, इस सूरत में इन बंदों को गिरफ्तार किया गया है। मैं जो वीकली रिपोर्ट शेयर करता हूँ उसमें भी वादा करता रहता हूँ, और इस वीडियो में आपको एक बात ये भी मैं ऐड करता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जो आज़ाद वीज़ा के तौर पर जाते हैं और कफील से एग्रीमेंट वगैरह करके काम कुछ और करते हैं, वो अभी करें ये जी कि अपना थोड़ी एहतियात करें। अच्छा, कफील के साथ कफील के साथ कोई भी एग्रीमेंट वगैरह आप करते हैं ना, तो उससे थोड़ा ये है जी कि कफील को बोलेंगे या तो मेरी पैरवी कर ले, वरना आप ऐसा करें कि एहतियात करें, चेकिंग वगैरह के मुतल्लक बंदों पुरानों को पता होता है कि इस रोड के ऊपर कौन सी चेकिंग लगती है, वहाँ से एहतियात करें।